लोहर, अरे तुम्हारा नाम पप्पू है तो काम तो मत क्या करो ऐसे। अरे मरना है तो सद्भावना एक्सप्रेस के साथ जा रही, मरो ना, हमारी गाड़ी क्यों? जो ठाट देवयानी एक्सप्रेस की और राजधानी की भी नहीं, और आप हमसे सद्भावना एक्सप्रेस की बात करें। एक बार हमारी नजर से देखिए तो सही, कसम खा के बोले आप पूरा रेलवे डिपार्टमेंट भूल जाएंगे। बातें ना कम किया करो वरना तुम्हारा सफर यही खत्म हो जाएगा। अरे कुछ भी हो बस आपके हाथों, आबाद हो बर्बाद हो, स्वर्ग में जले या नर्क में पले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके हाथ हो। ये क्या कहते, तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। हा? अब तो ऐसा है कि तुम हमारे हाथों से ले ही लो। क्या ये थैले, अब पकड़ो बैठो पीछे, हमें देरी हो रही है। एक बात बताए दिव्यानी जी, आपकी देरी आपको हम तक लेके आती है, भगवान करे ऐसी ही देरी होती रहे। और आप, अरे तुम इसे क्यों घास डालते रहते हो, तुम्हें पता है मैं दाल यहाँ नहीं गलने वाली। दिव्यानी जी देर तक आंच पे रखे तो औरत भी गल जाती है। पर यहाँ नहीं गलेगी क्योंकि ये तो कंकड़ है, और कंकड़ को कितना भी वाला ना वो कभी नहीं पिघलेगा। हम जानते हैं दिव्यानी जी आप हमारे लिए नहीं बने, आप तो किसी भी कनपुरिया के लिए नहीं बने, आप तो ऊंची आसमान की पंछी हैं, कहीं दूर जाके बसेंगे ऐसी जगह जो आपके सपनों के लायक हो। लेकिन देवयानी जी पर हम क्या करें, जैसे ही आपका चेहरा सामने आता है तो हमारी सूझबूझ जाती है तेल लेने, हमें आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ आपका चेहरा दिखता है और हम अर्जुन बन निशाना लगाने की ताक में लग जाते हैं। ना तो मछली की आंख है और ना तो अर्जुन, तो ये निशाना निशाना छोड़ो पप्पू। देवयानी जी एक बात बताएं, मोहल्ले का जो भी लड़का हमें आपके पीछे बैठा हुआ देखता है ना जल के राख हो जाता है, उन्हें लगता है कि आपका हमारा कुछ आप समझ। तुम ना एक काम करो अभी इस गाड़ी से उतरो। लेकिन क्यों? क्योंकि तो अपनी 11 नंबर की बस पकड़ो और यहाँ से चलता बनो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को भी ये पता चले कि आपका हमारे बीच में कुछ है पप्पू जी। देवयानी जी, आपकी इन्हीं अदाओं पे तो हम पप्पू हैं।